वेलकम गाइस। तो आज की मूवी का नाम है इविल डेड राइज 2023। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जहां एक पुराना घर था जिसमें तीन दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे और इनका ये घर एक नदी के किनारे था। वहां पर दो दोस्त तो बैठे बातें कर रहे थे मगर हम इनकी तीसरी दोस्त को घर के अंदर देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसका नाम जेसिका था। तभी जेसिका की दोस्त उसके पास आती है और उसे एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। लेकिन तभी जेसिका उठ खड़ी होती है और वो उस किताब को अपनी आवाज में पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई और बोल रहा है। फिर वो बेड से नीचे गिर जाती है और तभी उसे उल्टियां भी होने लगी थी। जब जेसिका की दोस्त उसके पास जाकर उसे देखने की कोशिश करती है तो जेसिका उसके बालों को उसके सर से अलग कर देती है और वो बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त को भी मार डालती है उसका गला काट कर। और फिर हम जेसिका को ऊपर हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और उसकी दोस्त ये सब देखकर काफी डर चुकी थी। जेसिका ने क्या किया था ये सब तो आप देख चुके हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था इन सबको हम कहानी में आगे जानेंगे। और अब कहानी हमें एक दिन पीछे दिखाई जाती है जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। हमें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके एक अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत रहती थी और उसके तीन बच्चे थे। एली अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी। एक दिन उसकी बहन उससे मिलने के लिए आती है। वो उसके सारे बच्चों के लिए तोहफे लाई थी। एली की बहन का नाम बेथ होता है और वो एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफा लाई थी। लेकिन चूंकि एली अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी तो उसकी बहन को ये नहीं पता था, इसलिए एली इससे थोड़ा अजीब बिहेव करती है और वो अपने सारे बच्चों को पिज्जा लेने के लिए घर से बाहर भेजती है और इसके बाद अपनी बहन को पूरी बात बताती है। उसकी बहन माफी मांगती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम तुम्हारे हस्बैंड से अलग हो चुकी हो, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। एली के बच्चे जब पिज्ज़ा लेकर घर लौट रहे थे तो वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और वहाँ पर पूरी ज़मीन हिलने लगी थी। वो तीनों बच्चे कार पार्किंग एरिया में पहुँच जाते हैं। एली का बेटा डैनी देखता है कि अर्थक्वेक की वजह से कार पार्किंग एरिया में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, इतना बड़ा गड्ढा कि वो भी उसके अंदर जा सकता था। वो जब उसके अंदर जाता है तो उसे नीचे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखती हैं। उसे वहाँ कुछ किताबें और कुछ रिकॉर्डेड टेप मिलती हैं जिनके ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था और साथ ही वहाँ पर कुछ प्रिस्ट की तस्वीरें भी थी। और फिर उसे वहाँ पर बहुत सारे होली क्रोसेस भी दिखते हैं जिनसे ये बात तो साफ थी कि यहाँ पर जरूर ही किसी बुरी आत्मा को कैद किया गया था। उसे वहाँ एक कब्र भी मिलती है जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति थी और साथ ही वहाँ पर एक किताब थी। डैनी बिना कुछ सोचे उस किताब को अपने साथ ले आता है। दूसरी तरफ एनी अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसने टीवी में ये सुना था कि बाहर बहुत तेज भूकंप आया है जिससे कि आसपास की बिल्डिंग्स को काफी नुकसान हुआ है। अब एनी एक लड़की के पास जाती है और उसे बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके तीनों बच्चे उसके पीछे खड़े हैं। एनी उन्हें काफी गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने घर आते आते काफी देरी कर दी थी। अब वो उन सबको घर में ले जाती है और फिर लॉन्ड्री के कपड़े लेकर लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। उधर डैनी को जो किताब मिली थी वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है मगर वो किताब तो खुली नहीं पाती। उस किताब को नुकीले दांतों से बंद किया गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी के नुकीले दांत हो। डैनी उसे जबरन खोलने की कोशिश करता है लेकिन एक दांत उसकी उंगली में चुभ जाता है और हम देखते हैं कि डैनी की उंगली से जो खून निकल रहा था उसे वो किताब सोख लेती है और फिर खुल जाती है, जो कि काफी अजीब बात थी और ये किसी बड़े खतरे का भी साइन था। और उस किताब में काफी डरावनी तस्वीरें बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई किसी पे काला जादू कर रहा है। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ पाता लेकिन वो उन ऑडियो टेप्स को सुनने लगता है जिसमें पहली वाली ऑडियो टेप में एक फादर बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने इस किताब को जानने की कोशिश की, इसमें काले जादू की खास किस्मों को बताया गया है। और अब आगे वाली बात दूसरी ऑडियो क्लिप में थी। इस ऑडियो क्लिप में फादर बताने वाले थे कि उन्हें ये बुक कहाँ से मिली, लेकिन तभी वो ऑडियो टेप खराब हो जाती है और उसके अंदर से एक डरावनी आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें किसी की आत्मा कैद हो और वो बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब रहता है और वो बुरा साया बाहर निकलकर लिफ्ट में एनी के अंदर चला गया था और वो एनी की हड्डियों को तोड़ देता है। डैनी ऑडियो टेप को रोकने की काफी कोशिशें करता है लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं करती। अब उनके घर की लाइट भी जा चुकी थी और किताब के पन्ने भी अपने आप पलट रहे थे। एनी की बेटी देखती है कि पूरे शहर में तो लाइट है, सिर्फ इनकी बिल्डिंग में ही लाइट
जा चुकी थी। इन्हें एनी की फिक्र हो रही थी और कुछ देर बाद एनी अपने घर आती है जो देखने में ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन हमने देखा था कि कुछ देर पहले लिफ्ट में उस बुरे साए ने इसकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया था। उस हिसाब से एनी ठीक से चल पा रही थी और वो सीधा किचन में चली जाती है और किचन में जाकर एग्स यानी कि अंडों को बनाने लगती है बहुत अजीब तरीके से। उसके बच्चे और उसकी बहन ये सब देखकर काफी फिक्रमंद हो जाते हैं और फिर एनी वहाँ पर उल्टियाँ करने लगती है। एनी उसकी बहन से कहती है कि वो मेरे अंदर है और मेरे बच्चों को कुछ मत होने देना, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। एनी की बहन और उसका बेटा उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन वो लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और भूकंप की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी, इसलिए ये सब एली को लेकर एक कमरे में लेटा देते हैं। वो लड़का जिससे एली मदद मांगने के लिए गई थी वो एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन वो फिर से खुल गई थी, और वो फिर से बंद करता है लेकिन एली की आंखें फिर से खुल गई थी, जो कि काफी अजीब बात थी। और अब ये सब मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि एली मरने वाली है। तभी एली की बहन एली के पास आकर उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन तभी उसके फोन पर एली की कॉल आती है और उसमें एक वॉइस नोट था जिसमें एली बोल रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है और प्लीज मुझे बचा लो। वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ अपनी बहन की बॉडी को हाथ लगाती है तो उसका जिस्म सच में जल रहा था, इसलिए बेथ एली को बाथटब में लेटा देती है। मगर तभी एली पानी से निकलकर दीवार पर चढ़ जाती है और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी चीख सुनकर सभी लोग बेहोश होने वाले थे, और साथ ही बाथटब का जो पानी होता है वो भी उबल रहा था। एली एक एक कर सब पे हमला करना शुरू कर देती है। वो अपनी बेटी को मारने वाली थी कि तभी उसका बेटा आकर उसे पीछे करता है और अपनी बहन को बचा लेता है। एली अपने पड़ोसी की आंख निकालकर दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। वो सब जान चुके थे कि जरूर एली के अंदर कोई बुरी आत्मा आ चुकी है। इस मौके का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के सारे दरवाजों को बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे, और जब बेथ एक छेद से देखती है कि एली ने घर में मौजूद जितने भी लोग थे सबको मार डाला है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वहाँ एली की जो बेटी होती है वो उसके भाई से लड़ाई करती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये सब कुछ उसके भाई ने किया है। ना वो उस किताब को खोलता, उस टेप रिकॉर्डर को सुनता, और ना ही वो आत्मा आजाद होती। दूसरी तरफ एली अपनी छोटी बेटी को बहला फुसला कर घर का गेट खुलवा लेती है और घर के अंदर एंटर हो जाती है। वही हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी के साथ भी वही हो रहा था जैसा कि एली के साथ हो रहा था। उसके मुंह से कीड़े निकलते हैं, और जब बेथ एली की बड़ी बेटी को ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि वो किचन के स्लैब पर कांच के टुकड़े खा रही थी, यानी उस काली ताकत ने एली की बड़ी बेटी को भी अपने कब्जे में कर लिया था। वो अपनी आंट बेथ पर हमला करती है और साथ ही अपनी छोटी बहन को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी बहन लोहे की एक चीज को उसके सर पर मारती है। दूसरी तरफ डैनी बेथ को बताता है कि ये सब कुछ उस टेप रिकॉर्डर के कारण हो रहा है, ना ही मैं वो टेप सुनता ना ही ये कुछ होता। अब बेथ जाकर उस तीसरी और आखिरी वाली रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है ताकि वो इन सब से निपट सके, और वो हेडफोन लगाकर वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी ताकि जो कुछ भी गलत हो वो सिर्फ बेथ के साथ ही हो और किसी पर इसका कोई भी असर ना पड़े। अब यहाँ बेथ को पूरी सच्चाई का पता चलता है कि ये किताब सबसे पहले एक फादर को मिली थी। वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर चर्च के लोगों ने उसे चर्च से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चर्च के अंदर कोई भी उस डिमोनिक किताब को पढ़े। उस बुक का जिल्द इंसानी चमड़ी से बना था और साथ ही उसके अंदर सारी तस्वीरें इंसानी खून से ही बनाई गई थी। दरअसल उस बुक के अंदर खतरनाक डीमंस को बुलाने के तरीके थे और इन सभी बातों को ही फादर समझना चाहते थे, और अब ये सारी बातें बेथ भी समझ चुकी थी। एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ बैठी हुई थी वहाँ पर एली आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है। एली यहाँ पर अपने मुँह से एक डिमोनिक आवाज निकालती है जिसमें वो कह रही थी कि मैं जो कुछ भी हूँ तुम मुझे नहीं हरा सकती, और वो बेथ पर हमला करके उसे मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर एली की जो छोटी बेटी होती है वो बेथ को एक कैची देती है। बेथ वो कैची एली के मुंह में डाल देती है जिससे एली कुछ वक्त के लिए रुक गई थी, और अब बेथ उठकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एली भी उठ खड़ी होती है और वो बेथ के पीछे पड़ जाती है। बेथ अपनी गन से एली की एक टांग पर गोली चला देती है, और अब यहाँ पर एली अपनी छोटी बेटी को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी
लिए उसे कहती है कि आप मेरी मॉम नहीं हो और इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एक करके सभी लोग जिंदा होने लगे थे जिन्हें की एली ने मारा था, और वो सब मिलकर कहते हैं कि शाम तक यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अब बेथ और एली की छोटी बेटी के पास वहाँ से भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। वो दोनों भागकर लिफ्ट के अंदर आती है और लिफ्ट को चला देती है। लिफ्ट चलना तो शुरू हो गई थी लेकिन उसके अंदर खून भरना शुरू हो जाता है, और ये खून उन्हीं लोगों का था जिन्हें की एली ने मारा था जो कि अब जिंदा हो गए थे। एली अब एक खतरनाक डीमन बनती जा रही थी। वो अपने आप को लिफ्ट से जोड़ देती है और जैसे जैसे लिफ्ट चल रही थी वैसे वैसे उसका खून भी लिफ्ट के अंदर भरने लगा था। दूसरी तरफ किताब का एक पेज पलटता है जिस पर हम एक खतरनाक डीमन को देखते हैं, और अब एली भी उसी डीमन जैसी दिखने लगी थी। बेथ और एली की बेटी जब नीचे आती हैं तो लिफ्ट के साथ साथ खून भी नीचे आता है और लिफ्ट से बाहर आ जाता है। खून में भरी हुई बेथ और एली की बेटी भागकर एक गाड़ी में बैठती है, लेकिन एली यहाँ पर इनका पीछा करती है जो कि खतरनाक डीमन में बदल चुकी थी। एली अपनी छोटी बेटी पर हमला कर देती है लेकिन बेथ वहाँ से चेनसा लेकर एली पर वार करती है। बाकी सब लोग भी जिन्हें एली मारा था वो भी वहाँ पर आने लगे थे, लेकिन बेथ यहाँ पर ग्राइंडिंग मशीन में उन सबको डाल देती है। नई फैमिली मेंबर को इतने खतरनाक ढंग से मारना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अब बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन वो काली ताकत अभी तक खत्म नहीं हुई थी। अब अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है, वो भी उसी बिल्डिंग में रहा करती थी। नीचे आकर वो लड़की वहाँ पर बहुत सारा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी कि तभी वहाँ पर वही डीमन आ जाता है और वो जेसिका को भी कंट्रोल कर लेता है, और जेसिका भी अब पोसेस्ड हो चुकी थी। और आगे तो आप सबको समझ आ ही गया होगा कि जेसिका ने अपने दोनों दोस्तों को क्यों मारा था, और अभी तक वो डीमन जेसिका के अंदर था, और अब आगे वो डीमन क्या तबाही लाएगा। इसी राज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।